क्या मतलब, मैं थोड़ा कुछ हेल्दी ऑप्शन दूंगा यार। नहीं, मेरी उम्मीद ही टूट गई जाज, उस दिन जब लंच बॉक्स से तुमने निकाले ना लाल कबाब। लाल कबाब कलर डला हुआ था, क्या था? पता नहीं क्या था, लाल कबाब चुकंदर था भाई, उसमें चुकंदर था, उसमें ब्रोकली थी, उसके अंदर अंडा तरबूज था। तरबूज क्यों डालेंगे कबाब में? लाल क्यों था? तरबूज चुकंदर का रंग लाल होता है। पता नहीं कि एजाज कबाब में तरबूज भी डाल सकता है, गर्मा खरबूजा भी डाल सकता है। अगर डल सकता है तो मैं डाल देता हूं, करेगा कभी। उसके अंदर वो भी था, चिकन भी था, उसके अंदर चने भी थे, मसाले थे सारे, और वो एयर फ्राई हुआ। अच्छा, तो डीप फ्राई नहीं था? इतना जबरदस्त था कि मैंने टेस्ट भी नहीं किया। लाल रंग से चिढ़ती देखिए, मुझे ना कुछ देख के कुछ हो रहा था। नहीं भाई, अभी कुकिंग करनी है तो हाथ धो लीजिए आप। हाँ, हाथ धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि रमजान में हम जब फ्रूट काटते हैं स्पेशली, तो हाथ में बहुत जर्म्स होते हैं। तो मैं तो ये लाइफ बॉय का हैंड वॉश इस्तेमाल करता हूँ, और ये विद विटामिन्स है भाई जी। तो आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, जर्म फ्री होने चाहिए, बैक्टीरिया। खास तौर पे बच्चों के, क्योंकि बच्चों के तो मैं कहती हूँ ना, सबसे ज्यादा जर्म्स को अट्रैक्शन ही बच्चों में होती है, क्योंकि हाथ मुंह पे लगा रहे, इस जगह हर चीज पे उनको हाथ लगाना होता है, भी नहीं रखते बच्चे तो ये जर्म सबसे ज्यादा बच्चों के ही हाथ पे आते हैं। इसलिए बच्चों के हाथ बार बार उनको जो है साफ करवाएं और आदत दिलवाएं, ताकि उनको आदत हो जाए हाथ धोने। बड़ों के भी साफ होने। अब देखिए एजाज को अभी तक इतना बड़ा हो गया, आदत नहीं हुई, याद कराना पड़ता है, क्योंकि बचपन में नहीं आदत पड़ी। तो तुम हाथ नहीं लगाना? अरे बचपन में लाइफ बॉय भी नहीं होगा ना, इसलिए आदत नहीं था भाई। हम दोनों ने पहले ही वॉश कर लिए थे हाथ। जी जी बिल्कुल। तो पहले मैं बनाऊं? आप बना ले, चले हेल्दी रेसिपी। उमेर और यशवा बताएंगे, आप बताइए चटपटा खाना पसंद करेंगे या हेल्दी? I'm keen on seeing ये भाई, मैं और ये शूट पे शेयर कर रहे होते हैं। वैसे चटपटा पसंद है, लेकिन अभी तो हेल्दी चलेगा, वो चिड्डे पे। चिड्डे पे तो इसमें हम पर आप मुझ पे हमने बनाना, हमारी इतनी बड़ी टीम है, इफ्तार करना है। कोई एतराज नहीं है इस रंग से? आप केले हैं भाई, ये केले वो भी अकेले, बट फ्रूट्स भी जो है आपको, आपने एक हैंडफुल, जितने लोग हैं उस हिसाब से कर लें, एक केला या दो केले, मैं तो सारे ही डाल। I don't mind. अच्छा, ये क्या बन रहा है, चाट? ये नहीं, चाट नहीं बन रही, ड्रिंक बना रहे हैं। इसके अंदर चाट बने, तुम ऐसे ही चाट करती? नहीं, फ्रूट था ना, मैंने कहा शायद कुछ पता नहीं, जहाज का पता नहीं, चुकंदर के कबाब बन सकते हैं, तो भी मेरे भी बन सकते हैं। स्मूदी टाइप चीज है, बट इट्स एन एनर्जी ड्रिंक। तो इसमें हम थोड़े से नट्स डाल देते हैं, बादाम जो आपको पसंद है, काजू मैं जरा कम यूज करता हूँ, और ये थोड़े से काजू हैं, मजे की चीजें डाल रहे हैं वैसे नादिया। ठीक है, फिर इसमें थोड़े से हमने पिस्ते डाल दिए, पिस्ता मड़ा, ठीक है, और खजूर जो है ना, वो एक तो बनाना से वैसे ही मीठा हो जाएगा, लेकिन हम क्योंकि मेरे हाथ धुले हुए, तो मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ, निकल गई तो ये गुठलियाँ निकली हुई है इसकी, और हमने खजूरें डाल दी, इसमें चार डाल दी, चार काफी, और ये इसमें लो फैट मिल्क है। सारी खजूरें तुमने इसमें डाल दी, मैं इफ्तारी में क्या खाऊंगी? है ना यार, सारी तो किसे, रोजा किसे खोलूंगी? एक एक मिलेगी गुठली है वो, तो गुठली। अब ये हमने इसमें डाला दूध। अच्छा, इसमें दही भी डाल सकते हैं? इसमें दही मेरे ख्याल में बाद में डाले, जब ये बन जाए तो ऊपर उसकी दही की, वो ग्रीक योगर्ट की लेयर लगा सकते हैं। क्या क्रीम चीनी? और तुम अपने हिसाब से डालोगी, बनाओगी जब, तो तुम कर लेना। हमारे शो का पहले टीजर आया था ना, हाँ, वैसे ही। ये देखो, वैसे अगर इसके अंदर आप नट्स को थोड़ी देर भिगो के रख देना पानी में, ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, वो ज्यादा बेहतर तरीका। मोर सो जो हमारी वालदाएं करती थी, हमेशा रात को भिगोने के लिए रखती, सुबह खिलाती थी। हाँ, तो इट्स शोन कि जब आप पानी में भिगो के रखते हैं तो ज्यादा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब। क्यों? आई थिंक वो पानी में चले जाते हैं। मुझे इसका, मुझे कोई इसका वजह नहीं बता रहा, लेकिन कह रहे हो जाते हैं। मुझे तो लगता है पानी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कह दिया, मुझे किसी ने कहा, बट मैंने बिलीव नहीं किया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स के अंदर कुछ टॉक्सिन या इसकी वो निकल जाती है पानी में भिगोने से। अब ये पता नहीं कहाँ तक सही है। तो बड़े होके ना यही सबसे ज्यादा मजा आता है कि मैं कोई सवाल करती हूँ तो मुझे कोई ये नहीं कहता चुप करो, ज्यादा सवाल नहीं करते हैं, तो उधर जाके बैठो। अब ये कि शुक्र है मैं सवाल करती हूँ तो सब मेरे सवालों को सीरियसली लेके उसका जवाब देते हैं। नादिया आपने देखा, आई लव बीइंग ग्रोन अप, सुने कितनी जल्दी बन गई कितनी आसान है। और इसमें आप इसके ऊपर आप दही भी डाल सकते हैं, ऊपर ग्रीक योगर्ट की एक लेयर लगा दें, और फिर थोड़े से पिस्ते बादाम। रोजे में ना सेंस ऑफ स्मेल भी तेज हो जाती है, पिछले वो मोहल्ले में कुछ बना रहा हो, फ्राई कर रहा हो, तो आती है वो, मुझे इस वक्त सोचो स्मूदी की क्या स्मेल, मुझे स्मूदी की खुशबू आ रही है, फ्रेश फ्रूट की नट्स की खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है। ये जो मैंने बनाई है ये स्मूदी है
ये बेसिकली रमज़ान में आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो मैं इसको एनर्जी नेचुरल एनर्जी ड्रिंक कहता हूँ। सो इसके अंदर मैंने डाले बनाना, अगर एक बंदे के लिए बन रही है तो एक बनाना डाल लें, अगर दो लोग हैं तो 1.5 या दो बनानास डाल लें, उसमें थोड़े से नट्स अपने फेवरेट थोड़े थोड़े डालें, बादाम मैंने डाला है, बादाम काजू पिस्ता और खजूरें थोड़ा सा और उसको मीठा करने के लिए, थोड़ी और एनर्जी बढ़ाने के लिए। और फिर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है लो फैट मिल्क, आप फुल फैट मिल्क डाल लें अगर आपको फुल फैट पीना है, या आप आमंड मिल्क डाल लें या कोकोनट मिल्क डाल लें, जो आपको पसंद है वो आप डालकर बना सकते हैं। बड़ी सिंपल क्विक रेसिपी है, इफ्तारी से कोई 5 मिनट पहले आप बड़ी इजीली बना सकते हैं, पहले से चीजें ही है, सब इसमें कुछ प्रिपेयर नहीं करना, हर चीज एक्स्ट्रा मजे के लिए थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, ऊपर आप इसके दही की लेयर लगा सकते हैं और फिर वो आइसक्रीम डाल देंगे तो फिर वो नादिया वाला खाना हो जाएगा। टेस्ट तो होना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है जाज ने चॉकलेट क्यों रखी हुई है, लाइक इसका रेसिपी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कुछ और बनाऊंगा चॉकलेट बाद में। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।